Hi guys, welcome to my channel and welcome back to Avikal's Kitchen. So I'm Pallavi and again I'm here to with the another recipe. So आज मैं try करने जा रही हूँ मटर पनीर की recipe. So I thought कि क्यों ना आप लोग के साथ भी ये recipe share किया जाए. So चलिए देखते हैं मैंने ये सब्जी कैसे बनाई है. So अगर ये video आपको पसंद आता है, ये recipe आपको अच्छी लगती है, so मेरे video को like कर दें, अपने friends and family के साथ इसे share करें. अगर आपने अब तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो मेरे channel को subscribe कर दें. So चलिए चलते हैं किचन में, let's get started. सो गाइज़, मैंने यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं. मैंने यहाँ लिया है कटा हुआ 2 प्याज, देन मैंने हरी मिर्ची एंड शिमला मिर्च, देन मैंने ये मटर लिया जिसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, देन ये आलू है इसे भी मैंने बॉईल किया हुआ है, एंड ये पनीर है जिसे मैंने क्यूब कट कर लिया है, एंड ये पीसा हुआ टमाटर, एंड ये पीसा हुआ अदरक एंड लहसुन, एंड देन ये पीसा हुआ 3 प्याज है. सो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं. सो फर्स्टली मैं यहाँ पे पनीर को गर्म पानी में हल्का सा बॉईल कर रही हूँ ताकि ये फ्रेश हो जाए एंड जो भी इसकी गंदगी है वो निकल जाए. देन मैंने गैस पे चढ़ाया है कढ़ाई एंड इसमें मैंने 3 to 4 स्पून डाला है रिफाइन ऑयल. मैं यहाँ फ्राई करने वाली हूँ पनीर. सो हमारा जो रिफाइन ऑयल है वो पक गया है, इसमें मैं जल्दी से डाल दे रही हूँ पनीर, एंड इसे हमें अच्छे से डीप फ्राई करना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. अब देख रहे हो मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ. फ्राई करने के बाद जो पनीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, जब आप इसे सब्जी में डालते हो तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है. सो ये आप देख रहे हो अच्छे से फ्राई हो गया है. सो मैं अगेन इसे पानी में डाल के सोक कर रही हूँ, इससे जो हमारा पनीर है वो सॉफ़्ट हो जाएगा. फ्राई करने के बाद वो हल्का सा क्या कड़ा हो जाता है, तो आप इसे पानी में डाल दोगे तो वो सॉफ़्ट हो जाएगा. सो देन मैं अपना बॉयल जो आलू था मैं उसे भी हल्का फ्राई कर ले रही हूँ, इससे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा. सो इसे भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी 5 से 6 मिनट तक. तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है. सो अब मैं इसे निकाल लूंगी. देन हम अगेन इसमें डालेंगे 4 to 5 स्पून ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है. सो अब हम इसमें छौंक लगाने के लिए ले रहे हैं जीरा, काली मिर्च एंड ये हरी मिर्च एंड ये चेत पत्ता. सो इन सब चीज़ों से हम लगाएंगे छौंक. सो मैंने फर्स्टली डाला है हरी मिर्च, बट हमें डालना था फर्स्टली जीरा, बट मैं भूल गई थी तो मैंने फर्स्टली डाल दिया मिर्च. सो अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से डाल दिया है एंड इसे अच्छे से पकने देंगे हम. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, कटा हुआ जो हमारा प्याज था. सो इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई करेंगे. तो आप देख सकते हो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है. तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक. सो मैंने 1 स्पून नमक लिया है. तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आप जितना खाते हो, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लो, कम खाते हो तो कम डाल लो. सो ऐसा है. तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अपने प्याज के साथ. देन मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारा पीसा हुआ प्याज था वो, ताकि ये भी अच्छे से पक जाए एंड इसका भी अच्छा टेस्ट आए. अगर आप प्याज को पीस के डालते हैं तो इससे आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बनती है, वो अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है. तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ.
सो देन मैंने यहाँ लिया है हल्दी। सो मैं एक चम्मच इसमें हल्दी मिला रही हूँ। हल्दी आपको पहले ही डालना होता है ताकि, क्योंकि हल्दी जो हमारी होती है वो कच्ची होती है, तो इसे पकाने के लिए हमें इसे पहले ही डालना होता है, तो इसलिए मैंने अभी ही डाल दिया। एंड मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है, जो हमारा ये प्याज है, वो अच्छे से पके। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है ये धनिया एंड जीरा का जो मिक्स होता है मसाला, मैंने वो लिया है। ये मेरी मम्मा घर पे ही भून के पीस के रखती है, तो मैंने वही डाला है। देन हम इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। सो मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये भी घर का पिसा हुआ मिर्च है, तो ये बहुत ही तीखी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। सो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड अच्छे से हम अपने मसाले को भूनेंगे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप जितनी अच्छे से अपने मसाले को भूनेंगे आपकी सब्ज़ी उतनी ही अच्छी होगी। सो आप अपने मसाले को अच्छे से भूनें, अच्छे से टाइम दें अपने मसाले को भूनने में। सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर मसाला। सो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा ये पनीर मसाला, सो मैं वही ऐड कर रही हूँ। देन मैंने हल्का सा पानी डाल के अपने मसाले को अच्छे से भूंज रही हूँ। जब हल्का हल्का आप पानी डालें, ऐसा ना कि एक ही बार आप पानी डाल दें, आप हल्का हल्का पानी डाल के अपने मसाले को भूंजें ताकि धीरे धीरे आपको पता चले कि हाँ कितना पानी डालना है, कितना पानी डालना है। अगर आप एक ही बार डाल दोगे तो या तो वो ज़्यादा हो जाएगा या तो वो कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के अपने मसाले को अच्छे से भूनें। देन हम पीसा हुआ टमाटर इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर जो है वो जल्दी पक जाता है, इसलिए हमें टमाटर लास्ट में ऐड करना होता है, तो इसलिए मैंने अभी ऐड किया है जब लास्टली 80% मसाला हमारा भून चुका है। देन हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो आप चाहो तो ऐड कर भी सकते हो या नहीं भी, मुझे शिमला मिर्च पसंद है इसलिए मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है। और शिमला मिर्च को कम ही पकाना होता है, इससे जो उसकी टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप पूरा पका दोगे तो नहीं आएगी अच्छी टेस्ट। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर एंड देन मैं ऐड कर रही हूँ आलू। एंड इन सबको मैं अच्छे से अपने मसाले के साथ मिक्स करूँगी ताकि मसाले का जो टेस्ट है इन सब में अच्छे से चला जाए और बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा टेस्ट आए। अब देख रहे हो कितना बढ़िया, कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहे हैं। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। ये मेरी घर की मलाई है, आप चाहो तो बाहर से बटर लेके भी इसमें ऐड कर सकते हो, पर घर की चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, तो इसलिए मैंने इसमें मलाई ऐड किया है। सो इससे क्या बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसमें मलाई ऐड किया है। देन हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर जो हमारा मेन है। एंड इसमें साथ ही में मैंने वाटर भी ऐड कर दिया है। आपको जितना ग्रेवी गाढ़ा या थोड़ा सा पतला चाहिए आप उस अनुसार से पानी ऐड कर सकते हो। सो हमें ज़्यादा ना ही पतला चाहिए था ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए था, तो मैंने मीडियम ही रखा है। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से वो बबल्स ना आए। आप देख रहे हो धीरे धीरे इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो लास्टली आप देख रहे हो अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं। सो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एंड कलर तो अच्छी लग रही है सब्जी की। सो यार हमारा सब्जी बनके तैयार है, आप को कैसा लगा ये हमारा ऑल ओवर खाना, जीरा राइस, पनीर की सब्जी, आलू का भुजिया एंड माय फेवरेट प्याज।
सो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।